हाँ जी सर, सत श्री अकाल सारयानु जी। मेरे वालों सर, मैं जेडे अपने स्कूल जो मैं टीचिंग प्रोफेशन च आया से ना, उदों दे क्योंकि आप बी एड एम एड जो पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसिज, हरेक बच्चा दूसरे तो अलग है, उन्होंने अलग तरीके टैकल करना चाहिए। वो जो इंडिविजुअल डिफरेंसिज है ना सर, जो स्कूलों मेरा हूँ कई साल का तजर्बा हो गया, वो जो तजर्बा से ना कि किस बच्चे की की प्रॉब्लम सी, उस मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा जोड़ा ना वो मैं वह तजर्बा अपना जो शेयर कर लैंना सर। फिर सारे तजर्बे मैं ना शब्दों के रूप में लिया के कागज़ पर उतारिया, तो बुक का रूप दे दिता सी जी। अध्यापन एक सफर मेरी बुक जी सी वो मैं लिखी सी, मैं सर्वोत्तम साहित्यक पुस्तक पुरस्कार भी मिले जी भाषा विभाग वालों। उदा सर मैं की किया, मैं वो ना लख डेढ़ लख बुक्स छाप के फाजिलका फिरोजपुर ऐदा कई डिस्ट्रिक्ट दे विच ना फ्री वंडिया सी स्कूल्स दे विच। उत्थों मैं बड़े फोन आए, कई सिचुएशन ऐदा दी सी, मैं सारा लिखा सी कि ऐदा आ बच्चे की आ प्रॉब्लम सी, मैं उन्होंने ऐदा अपने दिमाग नाल या अपने कुलीग्स की सुजैशन गाइडेंस नाल अपने सीनियर्स की गाइडेंस नाल ऐदा टैकल किया। फिर मैं उस उन्होंने बुक्स में वंडन का यह फायदा निकलिया, कई टीचर्स तजर्बेकार टीचर्स ने मैं फोन किया भी इस सिचुएशन जो तुम ऐदा रिएक्ट कर दे तो उस बच्चे का होर भी ज़्यादा फायदा होना सी। फिर मैं परसनली महसूस किया कि वाकई ये गल ठीक है, वो मैं ना अपने आप बड़ा सुधार महसूस होया पहला नालों। मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दे दिना, एक सागर नाम का लड़का आया सी मेरे को, मदर मैनू लैके आए सी, वो सी डबल्यू एस एन बच्चा सीगा चाइल्ड विद स्पैशल नीड। वो मदर मैनू आके कहंदे कि सर मैं थोड़ा नाम सुने काफ़ी, तो मैं थोड़े को पढ़ाना चाहनी इस बच्चे नू, मेरे बच्चे का दिमाग बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं मतलब दिमागी तौर पर बड़ा पिछे है। मैं क्या जी तुसी इहनू लै जाओ वापिस, ये कुछ नहीं कर सकता बच्चा। वो कहंदे क्यों, मैं क्या जेडे जिस बच्चे की मदर, वो मदर जी फस्ट टीचर है जी, वो बच्चे दे कोले खड़ के ये कह रही है कि तू कुछ नहीं कर सकता, फिर वो बच्चा किदा चलूगा। फिर मैं वो मदर ने समझाया भी तुसी ये गल कदी नहीं कहनी भी मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, बच्चा आप जो सोचने लग जूगा इदा कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो कभी भी नहीं कर सकूगा। फिर ना सर मैं उन्होंने कहा कि मैं ये बच्चा मेरे को छड़ जाओ, मैं दाखिला नहीं हले करना, सिर्फ मैं एक हफ्ता अपनी क्लास बिठाऊंगा फिर मैं थानू दसूंगा भी इस बच्चे लिए मैं की मदद कर सकता है। मैं सर उन्होंने क्लास बिठाया, मैथ दे विच ना एक क्वेश्चन पुट किया सी, क्लास और सिलेबस का ही सीगा। मैं क्लास नू पुछया जिदा मान लो एक बस दे विच दस बच्चे आ सकते हैं तो पैंती बच्चों लिए किन्नियां बसा चाहिए सानू जाने लिए, कितने किसी ने कुछ दस्या किसी ने कुछ दस्या। जिहड़ा सागर सी वह कहिंदा सर तीन बसा एक टैंपू। मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या बेटे, सारे हसन लग गए टैंपू का नाम सुन के, मैं क्या बेटे टैंपू कितों आ गया, तो बसा की गल चल रही है। वो मैनू कहिंदा हैलो सर आवाज आ रही है मेरी, आ रही है प्रिंसी आ रही है। अच्छा सर, वो मैनू कहिंदा कि सर 30 बच्चे तीन बसा च आ जाएंगे, जो 5 बच्चे वो जो अस बस करा तो महंगी पेगी और टैंपू सू सस्ता पेगा। मैं सारे ने कहा, मैं क्या बेटे कलैपिंग करो इनू ये। फिर मैं उन्होंने बच्चे मैं क्या बेटे एक गल सुनी, जिंदगी मेरी शकल हूँ तू देख ल चंकी तरह और जिंदगी शकल हमेशा याद रखी, मैं तेनों कह रहा तू सब कुछ कर सकता है, किसी की गल ना मनी कि तेरा दिमाग घट है, तेरे को इन्नी नॉलेज है कि एजुकेशन प्रैक्टिकली कि पेरेंट्स बुलाया। हैलो हाँ जी सर, मैं पेरेंट्स बुलाया और उन्होंने कहा भी यह सब कुछ करूंगा। वो कहते जी 1.5 महीने मैं दाखिला कर रहा है आवली क्लास। वो मैनू कहंदे कि असी 1.5 महीने तक यूपी वापस जावांगे छुट्टियां च जून दियां, फिर असी महीने बाद आवांगे। मैं कहा 1.5, मैं दिमाग लगाया कि उत्थे हिंदी च बोर्ड लगे होणगे शायद, मैं उन्होंने प्रोमिस किया, मैं कहा ये जदों तुसीं उत्थे जाओगे ना बोर्ड पढ़ पढ़ के दसूगा भी हुण आवला स्टेशन आ गया, हुण आवला स्टेशन आ गया। उस 1.5 महीने सर मैं उन्होंने घंटा एक्स्ट्रा लगा के ना दोपहर तो बाद चो कल्ली हिंदी करांदा सी स्कूल टाइम तो बाद चो। जदों छुट्टियां तो बाद चो वापिस आए, वो मदर फादर मतलब बहुत ज्यादा खुश सी, वो मदर दी अखां चो आंसू आ गए, कहिंदे इन्हें सारा कुछ उत्थे पढ़ पढ़ के सुनाया भी आवला स्टेशन आ गया, उत्थे पिंड दे बच्चों की बुक पढ़ के भी हिंदी दी सुनाई। फिर सर मैं उन्हूं हुण मैं कहा बाकी सब्जैक्ट भी मैं कर दांगा, फिर उन्होंने मैं पढ़ाया सर, वो वधिया बच्चा चल पिया। फिर एक दिन वो मदर आए, कहिंदे मैनू भी तुसी सर पढ़ाओ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਊਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੋਟਲੀ ਫ੍ਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਗਰ ਪੜ੍ਹਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਸਰ ਅਗਲੀ ਪੀਟੀ ਮੀਟ ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਇਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ।